और बिल्कुल अब इसमें इंतजार इसी चीज का है कि यूपीएससी की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि वहीं से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी इस पूरे मामले को लेकर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। बड़ी खबर सामने आ रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी अब इस पर बयान सामने आ गया है। सीएम भूपेश ने उद्घाटन को लेकर एक नई मांग की है। आपको बता दें कि उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए, यही मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और अब एक हिस्से का उद्घाटन करना अलग बात है, पूरे संसद भवन का उद्घाटन करना अलग बात है, ये भूपेश बघेल ने कहा। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया जाना चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत फिलहाल तेज है और इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही इसका उद्घाटन करें। केंद्रीय मंत्री हरपाल सिंह ने कहा है जब इंदिरा गांधी संसद भवन का लोकार्पण कर सकते हैं, राजीव गांधी कर सकते हैं, तो हमारे नेता संसद भवन कब का बना है भाई? पहले जब संसद भवन तो ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और उसमें ये शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है तो उसका उद्घाटन इंदिरा जी कैसे करेंगी? एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है, लेकिन समूचे यदि संसद की बात करें तो ये दूसरी बार बन रही, पहले जो बना था अब उसे छोटा पड़ रहा है, पुराना हो गया है तो नया बनाया गया है, इसलिए जो मांग है वो राष्ट्रपति से होना चाहिए, ये डिमांड थी।